बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक ने कुछ प्रश्न रखा है, रत्न की चर्चा एस्ट्रोलॉजी में कहाँ पर है सर? बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि हमारी धरती पे रत्न कहाँ से आए और रत्न की चर्चा है तो कहाँ है। तो देखिए, रत्नों की चर्चा पुराणों में, यहाँ पे हम दो पुराण लिए हैं और गीता प्रेस की एक पुस्तक ज्योतिष तत्वांक लिए हैं। इसके अलावे भी रत्नों की उत्पत्ति के बारे में कई पुस्तकों ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन हम तत्काल यहाँ पे पुराण लिए। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन से कई चीजों की उत्पत्ति हुई, यहाँ तक कि चंद्रमा ग्रह जो हैं उनकी भी उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार कई रत्नों की भी उत्पत्ति हुई है और समुद्र मंथन में एक ऐसे विशेष रत्न है जो स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया है। उस रत्न का नाम है कौस्तुभ रत्न। तो रत्नों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के बाद हुआ है और अग्नि पुराण में भी रत्नों की विशेष चर्चा है। अग्नि पुराण, ये देखिए, ये अग्नि पुराण है और यहां पर रत्न परीक्षण, यहाँ पे रत्नों की चर्चा है, किस तरह का रत्न होना चाहिए, उसके क्या गुण होना चाहिए। और कुछ ऐसे ऐसे संस्कृत रत्न के नाम है जो शायद ही कोई लोग सुनते हैं, जैसे हीरा को संस्कृत में वज्र कहा गया है, पन्ना को मरकत कहा गया है, पद्मराग, मुक्ता अर्थात मोती, महानील, इंद्रनील, वैदूर्य, गंध, शस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक, करके तन, पुष्पराग, यहाँ पुष्पराग अर्थात पीला पुखराज जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्योतिरस, राजपट, राजमय, शुभ, सौगंधिक, कंज, शंख, ब्रह्ममय, गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो रत्नों की भी चर्चा है अग्नि पुराण में पृष्ठ संख्या 478 में। इसके अलावे ज्योतिष तत्वांक में, ये देखिए ज्योतिष तत्वांक है, जब हम किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे सूर्य से संबंधित अगर वस्तुओं का दान करना है तो उसमें रत्न की चर्चा है कि माणिक का भी दान करें, चंद्रमा है तो मोती का दान करें, यानी कई वस्तुएं हैं उसमें रत्न भी साथ में जो चर्चित हैं कि रत्न का दान करें, मंगल है तो मुंगा का दान करें। ये देखिए, इसके अलावे इस ज्योतिष तत्वांक में आप देख सकते हैं कि यहां पे ज्योतिष और रत्न इसकी चर्चा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे ज्योतिष का, रत्नों का ज्योतिषीय प्रभाव। इसमें चर्चा है कि रत्न जब हम धारण करते हैं तो किन किन तथ्यों पे धारण करते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए, ये प्रमाण है ग्रंथों में, पुराणों में इसका प्रमाण है। साथ ही साथ एक बुक है एस्ट्रोजेनेटिक, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझाया है रत्नों के बारे में। तो रत्न का ये उद्गम और प्रमाण है कि रत्न वास्तव में कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है। अब है कि हमारे जीवन पे रत्न किस तरह से काम करते हैं। मतलब आपका कहना है कि रत्न और ज्योतिष में एक खास संबंध है। एकदम बिल्कुल संबंध है रत्न और ज्योतिष, इसकी एकदम। हाँ, चर्चा वेदों में भी है। पुराणों में भी है इसकी चर्चा, कई ग्रंथों में इसकी चर्चा है। ये तो प्रमाण है कि रत्न किस तरह से ज्योतिष से संबंधित है। रत्न और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। क्या साइंटिफिक भी ढंग से इसे कुछ आप प्रमाणित कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसे जान सकते हैं। देखिए,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जानिएगा तो एस्ट्रोजेनेटिक साइंस में औरा कह के एक शब्द है। औरा क्या होता है, यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, औरा इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंटरनल बॉडी, यानी औरा एक ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स के माध्यम से किसी भी बॉडी, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक वस्तु का निर्माण परमाणु से होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अलावा भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो हर एक चीज में ऊर्जा है, यानी औरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हर एक वस्तु के इंटरनल बॉडी में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब में ऊर्जा है। तो उसी प्रकार हमारे धरती के गर्भ में जितने भी रत्न हैं, उसमें एक खास तरह की ऊर्जा होती है। देखिए, हर एक ऊर्जा अलग अलग पद्धति के अनुसार कार्य करती है, हर एक ऊर्जाओं की कार्य करने की क्षमता अलग है, और हर एक ऊर्जाएं अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। लेकिन जब हम रत्न की बात करें तो आप इसे एक सामान्य से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक शीशा है और शीशा से प्रकाश आर पार हो जाती है, अर्थात शीशा में वो गुण है, प्रकृति के द्वारा वो गुण दिया गया है कि शीशा अपने से होकर प्रकाश को आर पार जाने देती है। लेकिन अगर हम किसी अपारदर्शक वस्तु के पास, यानी अपारदर्शक वस्तु जो है वो प्रकाश अपने से होकर जाने नहीं देती है, तो रत्न में भी प्रकृति के द्वारा एक ऐसी एबिलिटी दी गई है जिनमें दूर स्थित राशि हो या नक्षत्र हो या ग्रह, उसके ऊर्जा को अवशोषण करने की क्षमता रत्नों में ही है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कोई जातक रत्न को पहनते हैं, जिस ग्रह से संबंधित रत्न को पहनते हैं, और रत्न वास्तविक हैं, प्राकृतिक हैं, ओरिजिनल हैं, तो वो रत्न उस ग्रह नक्षत्र या राशि की ऊर्जा को अवशोषित कर धारण किए हुए व्यक्ति के शरीर में समुचित रूप से प्रवाहित करते हैं। आपने बहुत अर्थपूर्ण जवाब दिया है रत्नों के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा हमें। एक प्रश्न और आ रहा है आपके, रत्न का वजन निर्धारण जो किया जाता है उसका क्या अर्थ होता है सर? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली की विवेचना करते हैं तो व्यक्ति कितनी आयु के हैं, दो तीन चीजों को देखा जाता है। सर्वप्रथम कितने आयु के हैं, उनके शरीर की कितने वजन है, और साथ ही साथ ग्रह कुंडली में किस बलावल में है, कितना अंश है उनकी, इन सबों का एक कैलकुलेशन करके तय किया जाता है कि उस व्यक्ति विशेष को कितने रत्न जो है वो कितने रत्ती के कितने वजन की आवश्यकता है। लेकिन हमारा यहाँ तक मान्यता है, और ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है कि रत्न को इतना ही रत्ती पहने। रत्न अगर राजा महाराजाओं के काल से ही रत्न बहुमूल्य रहे हैं, लेकिन रत्न में जो ऊर्जा है, रत्न की जो ऊर्जा है वो उसका प्रभाव जीवन पे अचूक है। तो अगर आप, हम यहाँ पे आपको कह देते हैं कि रत्न बहुमूल्य होते हैं, हर एक लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं कर पाता है कि रत्न को आप पहन सके, इसीलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अब बात करते हैं कि रत्न का चयन, जहाँ पे आपको 5 रत्ती 6 रत्ती पहनना है, वहां पे अगर 1 रत्ती 2 रत्ती भी आप रत्न पहनने में सक्षम है तो आप बिल्कुल 1 रत्ती 2 रत्ती 3 रत्ती का भी रत्न पहन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उतना छोटा रत्न की शक्ति ऊर्जा के सामने उपरत्न, क्योंकि कई रत्न के उपरत्न भी कई हैं, तो आप उपरत्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रत्न की बात आई तो एक निर्धारित भार में आप नहीं पहन सकते हैं, तो कम से कम 1 रत्ती 2 रत्ती 3 रत्ती का भी रत्न पहन के आप उसका लाभ उठा सकते हैं, और भविष्य में जब आप उस लायक हो जाएं, तो
तो आपको जो भी ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार जितने भार दिए गए हैं उतने भार के आप रत्न को धारण कर सकते हैं। एक और चीज है, जो रत्न जितना भारी होगा उतने बहुमूल्य होगा। तो आप यह भी कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपको 6 रत्ती पहनना है, पन्ना ही पहनना है 6 रत्ती, तो 6 रत्ती का पन्ना अगर कॉस्टली है तो उसके जगह पे आप 2-2 रत्ती का या 3-3 रत्ती का छोटा छोटा पन्ना पहन लीजिए, क्योंकि रत्न के भार कम होने पर उनके मूल्य में भी कमी आ जाती है। इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 1 रत्ती से 3 रत्ती, 2 रत्ती 3 रत्ती पहन के भी आप लाभ तो उठाइए कम से कम, बाद में उस लायक हो जाइएगा तो निर्धारित भार के। सर आपसे कुछ अलग हट के प्रश्न करना चाहूंगा सर। जरूर जरूर। किस तरह के रत्न मानव जीवन या ज्योतिषीय सलाह में कारगर नहीं होते हैं सर? ये आज के युग का बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। देखिए, जो प्राकृतिक रत्न है, चाहे वो रत्न की श्रेणी में हो या उपरत्न, 84-85 प्रकार के धरती में रत्न है, उनमें से 9 रत्न है, उसमें से भी 5 महारत्न है और शेष सब उपरत्न है। तो रत्न हो या महारत्न हो या उपरत्न हो, अगर वो प्राकृतिक है तभी उसकी ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेंगे, नहीं तो किसी भी तरीके से मानव हस्तक्षेप जब हो जाए, अर्थात कई तरह के रत्न ऐसे हैं जो ज्योतिषीय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पहला सिंथेटिक अर्थात कृत्रिम, मानव निर्मित रत्न ज्योतिषीय पद्धति में या ज्योतिषीय में बिल्कुल भी कार्य नहीं करते। दूसरा प्राकृतिक रत्न है लेकिन उसमें मानव के द्वारा कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया जाता है, तो रंग का ट्रीटमेंट हो या उसमें किसी अन्य पदार्थ को भर दिया जाए या उसको तापमान बढ़ा के रत्न को किसी भी तरीके से, मानव जब कृत्रिम रूप से रत्न की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर अप्राकृतिक चीजों को करते हैं तो ऐसे रत्न आपके ज्योतिष क्षेत्र में उतने प्रभावशील नहीं होते हैं, तो इन रत्नों से बचिए। इसके अलावे कुछ ऐसे लोग हैं जो रत्न के जगह पे उपरत्न। सर आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, आप ये भी बता दीजिए रत्न में लोग कैसे ठगे जा सकते हैं? ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप रत्न ले रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाएं। हम बात कर रहे हैं कि रत्न या उपरत्न आप कहीं से भी लें तो सबसे पहले उस दुकान से हमेशा आप परचेज करें जो बहुत पुराना दुकान है, बहुत विश्वसनीय है और आपको पूरा पूर्ण विश्वास के साथ आपको रत्न या उपरत्न प्राप्त करा रहे हैं ये, या रत्न उपरत्न आप खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय लोग से ही खरीदें, अन्यथा आप हो सकता है कि आप ठगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी बाजार में कई तरह के उपचारों द्वारा रत्नों को लाया गया है, हर एक चीज की डुप्लीकेसी हो चुकी है, हर एक रत्न के कॉपी मार्केट में आ चुके हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ठगे जाइएगा कई भी दृष्टिकोण से। पहला कि अगर रत्न प्राकृतिक हैं लेकिन उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट हो, चाहे ग्लास फिलिंग का ट्रीटमेंट हो या रंग का कलर ट्रीटमेंट हो या सिमुलेंट हो, यानी तो ट्रीटमेंट से आप बचिए। ट्रीटमेंट वाले पत्थर ज्योतिषी में कहीं भी उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। दूसरा होता है कि रत्न जैसे उपरत्न जैसे दिखने वाले सिंथेटिक रत्न आ चुके हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल दिखते हैं लेकिन वो बिल्कुल डुप्लीकेट रहता है, तो अगर आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, तो आप ठगे जाते हैं। तीसरा ये होता है कि ओरिजिनल रत्न दो रहेंगे जिसमें अच्छे गुणवत्ता वाले रत्न के ऊपरी सतह को कट कर डल गुणवत्ता वाले, कम गुणवत्ता वाले रत्न के ऊपर उसको चिपका कर और रिंग मेक करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो रत्न
ऊपर और नीचे से देखने में बिल्कुल ओरिजिनल रहते हैं, लेकिन वो मानव द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। तो इस तरीके से धोखेधारी से आप बचिए, और रत्न और उपरत्न आप ले रहे हैं तो पूर्ण रूपेण विश्वसनीय व्यक्ति से ही आप रत्न को प्राप्त